सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 20। इस क्लास में हम एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सल्तनत काल में असुसाला के प्रधान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? असुसाला के जो प्रधान होते थे उनको कहा जाता था अमीर ए आखूर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी, ऑप्शन नंबर सी खारवेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप। यदि बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और यदि बात करें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सातवें नंबर का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका और सातवें नंबर पे सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। महासागर कितने हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रम्बने स्टेडियम किस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन विज्ञान तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह को का साथी कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हैदराबाद में है जी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश तरंगे कैसी तरंग है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत अपघटन संबंधित नियम को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 14, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बैटरी का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्टा ने। क्वेश्चन नंबर 17, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रोफेसर राजकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रबात किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को की है। क्वेश्चन नंबर 20, रवांडा की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किंगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गोलमेल के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सल्तनत काल में हक ए सरब थी, क्या थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंचाई करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है?
ये आपके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोराडो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1934 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। वन का भी वहीं पर है, पेट्रोल का भी। क्वेश्चन नंबर 35, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जी आपको। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 को। क्वेश्चन नंबर 39, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर हंसेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि डी नंबर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन टेलीफोन स्टडीज कहाँ स्थित है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 44, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा IDRA। क्वेश्चन नंबर 45, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत को। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? 46 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरल्ला रोहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49, पैन नंबर देने की स्तुति किस समिति ने की थी? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर त्यागी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 50, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।